हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी। मैं हूँ प्रोफेसर रेनू। आज मैं आपके लिए बहुत ही लेटेस्ट जीके लेके आई हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस है। आपके नवंबर का बहुत ही लेटेस्ट जीके है ये, ठीक है। और फ्रेंड्स, मैं आप सबसे बोल देना चाहती हूँ, पहली बात मैं बता देना चाहती हूँ मैं किसका प्रैक्टिस लेके आई हूँ। बार्स वालों का एग्ज़ाम का जो वर्क असिस्टेंट वाले जो बच्चे हैं, मैं उनके लिए ये मतलब जीके लेके आई हूँ। प्लीज़ मैं आपसे बता देना चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा जीके भी है, थोड़ा सा आपका रीजनिंग वाले भी क्वेश्चंस हैं, तो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, नवंबर का बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चंस है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। एक दो क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं इसमें से, ठीक है। तो आप क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो। ये बार्स वाले बच्चों के लिए है, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना। हमारे स्मार्ट नौकरी चैनल आपके लिए थोड़ा लेटेस्ट क्वेश्चंस लेके आया है। और ये जिन बच्चों ने हमारे स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे स्मार्ट नौकरी के जितने भी सारे इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठाइए। बेस्ट टू बेस्ट जितने भी गवर्नमेंट की सारी वैकेंसी, सारी इन्फॉर्मेशन ये स्मार्ट नौकरी चैनल आपके लिए लेके आता है, तो प्लीज़ आप सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और सब इसका पूरे सारे इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठाइए। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी चीज़ का नोट्स चाहिए, पीडीएफ फाइल चाहिए, तो आप हमारे स्मार्ट नौकरी चैनल पे कमेंट्स कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी दिया गया है, उस मेल आईडी पे आपको कमेंट्स करना है, मेल आईडी मतलब पे मेल करना है आपको, एंड प्लस हमारे स्मार्ट नौकरी चैनल पे आपको कमेंट्स करना है, तो ये डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा रीजनिंग, मैथ्स, एक दो थोड़े से जीके क्वेश्चंस, ये सारा चीज़ें यहाँ पे मिक्सअप है, कुछ भी पूछा जा सकता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए। जीके में भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, रीजनिंग टाइप है थोड़ा सा, तो अभी आपको देखना है कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इसका आंसर यहाँ पे बी है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, लेटेस्ट प्रैक्टिस करना है आपको यहाँ पे, बेस्ट टू बेस्ट प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट सारे क्वेश्चंस है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। 8-10 क्वेश्चन आज मैंने आपके लिए लेटेस्ट लेके आया है, और आपको कमेंट्स में करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट्स हुए। आई होप हो सके तो आप रोज़ के पूरे कम से कम 8-10 क्वेश्चन रोज़ प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बार्स एग्ज़ाम का अभी तो डेट नहीं आया, जैसे कुछ डेट आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता दूंगी क्या है इन्फॉर्मेशन क्या नहीं है। आपको यहाँ पे आंसर दिखता होगा क्या है, ऑप्शन बी है, इसमें आंसर बी है, ठीक है। जैसे कि आपने हिंदी में रिक्वायरमेंट किया था, तो मैंने हिंदी लैंग्वेज में ही लेके आई हूँ। बहुत सारे बच्चों को ने काफ़ी कमेंट्स किया था कि मैम हिंदी में वीडियो लाई, तो मैंने हिंदी में ही लाया है। प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा हो सके कितना भी हो सके प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे ऑप्शन ए है, इसका आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट, इसका आंसर सी है, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑप्शन डी, इसका आंसर यहाँ पे डी है, 44%। अच्छे से बेस्ट टू बेस्ट प्रैक्टिस करते रहिए सारे क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑप्शन ए, बहुत ही बेस्ट तरीके वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस में आपके लिए लेके आई हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपको, इससे हार्ड कुछ नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिया है, तो इसका राइट आंसर सी है, 64%।
नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन डी 80%। दो नंबर एक्स और वाई एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, एक्स वाई का कितने प्रतिशत है? एक्स वाई का कितने प्रतिशत है? ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन आपको? बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि मैम आप थोड़ा बोला कीजिए और सारे क्वेश्चन को मतलब बोल बोल के कीजिए। देखो स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन तो आपको सामने दिखता है, बोलने करने में एक आपके लिए वीडियो मुझे नहीं बनाना पड़ता। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके लिए मुझे सैम्पल पेपर्स क्वेश्चन पेपर देना पड़ता है। अगर हम सारे क्वेश्चन को बोलने लगे तो आप समझ सकते हो टाइम का, ऊपर से आवाज़ का क्या मतलब होगा। ये क्वेश्चन है, आपको यहाँ देखना है, सॉल्व करना है और नीचे आंसर दिया गया है। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया इन्फॉर्मेशन, एक नया एडवाइस और एक नया सजेशन के साथ में। अगर किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो आप हमारे चैनल पे कमेंट्स कर सकते हो, कुछ भी पूछना है तो चैनल पे कमेंट्स कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।